तो हम लोग बात कर रहे थे, आज जो हम बात करेंगे विल टॉक अबाउट द केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। देखिए एक बात समझिए, आपको मैंने बताया था कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम के थ्रू होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो दो सिस्टम के थ्रू होता है, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल है हम लोग, तो इसमें एक तो नर्वस सिस्टम होता है, एक तो नर्वस सिस्टम होता है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, और इसके साथ जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। वो कौन सा है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली डील करता है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या है समझिए, जैसा नाम से ही क्लियर है, कोऑर्डिनेशन मैंने कह रखा है आपको, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ द सिस्टम या ऑर्गन्स। When the organs are working in a systematic manner, so that will be called as what? Coordination. For example, if I have to withdraw my hand, यदि मुझे अपने हाथ withdraw करना है, तो इसमें nervous system का, muscles का, bones का, सभी का coordination होना जरूरी है, या किसी एक coordination से हो जाएगा? सभी का coordination जरूरी है। मान लीजिए कभी आपने सुना होगा paralysis की बीमारी रहती है कुछ लोगों को, तो उनके सारे हड्डी भी होगी, मसल्स भी होंगे, सेल्स भी होंगे, लेकिन नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, एंड ही वॉन्ट टू विदड्रॉ हिज हैंड टूवर्ड हिज ओन साइड, क्या वो कर पाता है? नहीं। तो इनमें सभी चीजों का, मान लो नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन किस कभी कभी क्या होता है, हड्डियां टूट जाती हैं, तो हम काम नहीं करते, तो मसल्स वीक हो जाती हैं, तो मसल्स को फंक्शन में लाने के लिए हम लोग फिजियोथेरेपी करते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं? अब मसल्स वीक है, ठीक है, मसल्स अपना काम नहीं कर रहा है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन काम भी कर रहा है, फिर भी क्या हम विड्रॉ कर लेंगे? नहीं। तो जब एक सिस्टमैटिक वर्किंग होगा ऑर्गन्स को, तब जाकर हम कोई फंक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं। तो जब केमिकल्स, तो यहां पर केमिकल्स कहने का मतलब हॉर्मोन से, इससे है हॉर्मोन से, तो हॉर्मोन जो होता है दैट हेल्प इन टू ब्रिंगिंग ए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इनटू द बॉडी सो दैट ए प्रॉपर वर्क कैन बी परफॉर्म्ड और नॉट। तो इसके बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट विद व्हाट? इंटीग्रेट विद जुड़ना, तो इट इज इंटीग्रेटिंग विद द नर्वस सिस्टम, एंड आफ्टर द इंटीग्रेशन विद द नर्वस सिस्टम, जुड़ने के बाद नर्वस सिस्टम से, इट हेल्प इन टू द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स और नॉट। तो इस चीज के बारे में हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर देखना है। अब एक बात तो मैंने क्लियर हो गया कि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर हम लोग किस चीज की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। अब जैसा ही आपको क्लियर है कि एंडोक्राइन सिस्टम सिस्टम है, तो उसमें एक ऑर्गन होगा या एक ग्लैंड होगा या मोर देन वन ग्लैंड होंगे, मोर देन वन ग्लैंड होंगे सिस्टम में पूरा का पूरा, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ये 8 to 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हम बात करें, तो ये मिलकर एक सिस्टम को बनाता है विच इज कॉल्ड एज ए एंडोक्राइन सिस्टम। और ये एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है दैट इंटीग्रेट विद द नर्वस सिस्टम एंड हेल्प इन टू द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन बींग। अब आया समझ में? अब सवाल ये है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है। उससे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ग्लैंड क्या होता है। हाउ यू डिफाइन ग्लैंड? ग्लैंड किसे कहोगे? मेरा घर ग्लैंड है? नहीं। तुम्हारा स्कूल ग्लैंड है? यस और नो? तो ग्लैंड का कुछ तो डेफिनेशन होगा, क्या
बेटर रिपोर्ट। ऐसा कोई सेल या स्ट्रक्चर जो किसी भी चीज का सिक्रीशन करता होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज ग्लैंड। वेरी गुड। तो ऐसा कोई सेल और स्ट्रक्चर विच सिक्रीट्स एनीथिंग, एनी केमिकल, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्लैंड। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो बात आप ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं किसी और कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर दो तरह के ग्लैंड होते हैं, या तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे या एक्सोक्राइन ग्लैंड होंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड होंगे, ठीक है, या तो एंडोक्राइन होंगे ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड होंगे। अब सवाल ये है कि किन्हें आप एंडोक्राइन ग्लैंड कहोगे और किन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड कहोगे? बेटर और एकदम सही है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो डक्टलेस होते हैं, तो इसीलिए इन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। इनके अंदर डक्ट नहीं होता है, मतलब मान लीजिए ये एक ग्लैंड है, तो इसमें जो भी कुछ केमिकल सिंथेसाइज हुआ, इस केमिकल को जहां पर भी इसको डालना है तो डालने का दो तरीका है। एक तरीका यह है कि यह डायरेक्टली ब्लड में डाल दिया जाए, ये डायरेक्ट क्या डाल दिया जाए ब्लड में, और हमें मालूम है कि ब्लड बॉडी के हर पार्ट में जाता या नहीं आता है, तो उस केमिकल को भी लेके वहां तक पहुंच जाएगा जहां पर उस केमिकल को काम करना है या नहीं। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि ये एक डक्ट की मदद से, ये क्या करे, एक डक्ट की मदद से जहां पर इसको सिक्रीशन पूर करना है, मान लीजिए यहां पर सिक्रीशन को डालना है इसको, तो वहां पर एक डक्ट की मदद से वो डाल दे, तो जब डक्ट की मदद से डालेगा तो उसे कहेंगे एक्सोक्राइन। तो हम इन ग्लैंड्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड भी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? तो ये होते हैं डक्टलेस ग्लैंड और ये होते हैं डक्ट ग्लैंड। ये क्या होते हैं? डक्ट ग्लैंड, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने कहा कि इनके अंदर कोई केमिकल सिंथेसाइज होगा, तो जो केमिकल डक्टलेस में सिंथेसाइज होता है, ठीक है, उन केमिकल को कहते हैं हॉर्मोन्स, उन केमिकल को कहते हैं हॉर्मोन्स, और जो डक्ट ग्लैंड्स के अंदर सिंथेसाइज होता है उसका हम कुछ नाम देंगे, सो दे आर कॉल्ड एज एंजाइम्स, उन्हें क्या कहते हैं, एंजाइम्स। तो केमिकल सिंथेसाइज्ड इज कॉल्ड हॉर्मोन, इन्हें क्या कहते हैं, हॉर्मोन। एंड यहां पर जो केमिकल सिंथेसाइज होता है, केमिकल सिंथेसाइज इज कॉल्ड एंजाइम, उन्हें क्या कहते हैं, एंजाइम्स। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एक बात बताइए, जैसे मैंने कहा हॉर्मोन्स, तो हॉर्मोन्स होते हैं वो ब्लड में डाल दिए गए, ठीक है, और वो टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। टारगेट स्पेसिफिक करने का मतलब क्या समझिए, हार्मोन को याद रखने के लिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक याद रखने के लिए पोस्टमैन को याद रखिए। पोस्टमैन समझ में आता है? तो पोस्टमैन क्या करता है, इधर से उधर क्या पहुंचा देता है, चिट्ठी। चिट्ठी में क्या होता है, मैसेज, जिस एड्रेस पे जाना है उसी एड्रेस, एग्जैक्टली, मतलब वो एड्रेस स्पेसिफिक है। वैसे ही जो हार्मोन होता है वो टिश्यू स्पेसिफिक होता है, जिस टिश्यू को जो इंफॉर्मेशन देना है उसी टिश्यू को देगा। जैसे एक पोस्टमैन जो होता है वो सारे घरों को घूमेगा, हर गली से जाएगा, लेकिन क्या किसी भी गली में किसी को चिट्ठी दे देगा, नहीं, सारे गली में घूमेगा लेकिन जिस घर का वो मैसेज होगा उसी घर को डिलीवर करेगा। तो वैसे ही ब्लड हार्मोन को लेके सभी टिश्यू के पास जाएगा, लेकिन जिस टिश्यू को डिलीवर करना है हार्मोन उसी टिश्यू को मैसेज डिलीवर करेगा कि नहीं। तो ये जो होता है ये टिश्यू स्पेसिफिक होता है, ये क्या होता है, टिश्यू स्पेसिफिक। लेकिन इस तरह की कोई बात एंडोक्राइन जो एंजाइम्स होते हैं उनमें ये नहीं होता है, तो दे आर नॉट टिश्यू स्पेसिफिक, ठीक है।
ये बेसिकली बायो कैटलिस्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट उन सब्सटेंस को हम कहते हैं जो बिना इन्वॉल्व हुए रिएक्शन में किसी रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर सकते हैं, ठीक है। जबकि ये जो होते हैं ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ये क्या है? केमिकल मैसेंजर्स, जो मैसेज कैरी करके जाते हैं और जहां पर उनको डिलीवर करना है वहां पर ले जाकर उसे डिलीवर करते हैं। अब एक बात समझिए, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये मिलकर, तो जिसमें बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो सब मिलकर एक सिस्टम को बनाता है जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो ये जिन केमिकल्स को रिलीज करते हैं, क्या उन केमिकल्स से आपको कोई एनर्जी मिलेगा? नहीं। एनर्जी मिलेगा तुम्हें तो खाना खाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खाना नहीं दूंगा तो तुम जिंदा ना रहोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो केमिकल होते हैं, जो हॉर्मोन्स होते हैं, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स विच आर जस्ट मैसेंजर्स विच विल बी कैरिंग द मैसेज एंड डिलीवरिंग टू ए स्पेसिफिक टिश्यू, ठीक है। तो यदि मुझे कहना है कि जो हॉर्मोन होता है, हॉर्मोन है क्या, तो हॉर्मोन जो है आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच कैरी मैसेज विच इज डिलीवर्ड टू स्पेसिफिक टिश्यूज, टू स्पेसिफिक टिश्यू। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, हार्मोन क्या होता है, कैसे ये वर्क करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? समझ में आ रहा है? तो ये होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ग्लैंड होते हैं वो कैसे काम करते हैं। अब हमें बेसिकली जो इंफेसाइज करना है, हमें तो इन पे इंफेसाइज करना है, हॉर्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो ये मैंने कहा कि 8-10 ग्लैंड मिलकर एक सिस्टम को बनाते हैं, तो किस तरीके से वो सिस्टम को बनाते हैं हमें बेसिकली उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, तो मैंने कहा कि वो 8-10 एंडोक्राइन ग्लैंड को मिलकर बनता है। तो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, हमारे ऊपर में ब्रेन है या कुछ और है, ब्रेन है। तो ब्रेन के अंदर दो ग्लैंड होते हैं, वन इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। तो ये दो ग्लैंड हैं विच आर लोकेटेड इन द ब्रेन और नॉट। तो ये दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड हैं और ये डिफरेंट टाइप केमिकल्स को रिलीज करते हैं, जिनके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद पिट्यूटरी के बाद एक पीनियल ग्लैंड होते हैं, लेकिन वो डिजनरेटिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं तो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड होता है, पारा थायराइड, अरे समझ में। इससे नीचे आते हैं तो हार्ट पे थाइमस होता है, हार्ट में क्या होता है, हार्ट के जस्ट ऊपर थाइमस, ठीक है। इससे नीचे आते हैं तो एड्रेनल ग्लैंड होता है, एड्रेनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर लाइज करता है, किडनी के ऊपर कैपिलरी स्ट्रक्चर होता है, कैपिलरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है या नहीं, ठीक है। उसके बगल में पैनक्रियास या थाइमस के बाद पैनक्रियास कह सकते हैं, उसके बाद एड्रेनल ग्लैंड कर लो, ठीक है। फिर मेल्स के अंदर टेस्टिस एंड फीमेल्स में ओवरी। तो ये जो ग्लैंड्स है, दीज ग्लैंड टुगेदर फॉर्म एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी और नॉट। और ये जितने भी ग्लैंड्स हैं, दे ऑल आर इंटीग्रेटेड विद वन अनदर, ये आपस में सब एक दूसरे से इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, एंड देयर हॉर्मोन्स व्हिच आर रिलीज्ड, दे हैव गॉट डिफरेंट इफेक्ट
ऑन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी और नॉट. जितने भी इनमें से केमिकल रिलीज करते हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर जाके एक्ट करते हैं या कोई भी किसी पे एक्ट कर देता है, अलग अलग ऑर्गन पे एक्ट करता है. तो हमें एक ही करके बात करना है. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस देखो, मैंने आपको बताया था कि ब्रेन जो होता है तो ब्रेन का एक पार्ट होता है फोर ब्रेन, पढ़ाया है ना आपको मैंने. और फोर ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं, उसमें सेरिब्रम, डायनसेफलॉन पढ़ाया था. और मैंने कहा था कि डायनसेफलॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी. तो ये जो होता है डायनसेफलॉन ये किस चीज को फॉर्म करता है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी. तो इसमें क्या होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. सो दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस एंड नीचे में ग्लैंड है, दिस इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पिट्यूटरी. तो ये जो दो ग्लैंड्स हैं दे हैव बीन फॉर्मड by the diencephalon or not, or you can say that it is the modification of the diencephalon. Yes or no? अब इसमें क्या होता है, जो आपका hypothalamus होता है it has got two type of control over the pituitary. इनका काम होता है hypothalamus का to control the pituitary. ठीक है, तो शुरुआत में pituitary के बारे में लोगों को जानकारी थी, hypothalamus के बारे में नहीं थी. ठीक है, और पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं बहुत अलग अलग तरह हार्मोन्स निकलते हैं जो तुमने टेंथ में पढ़ा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, और वो हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. तो हमारे बॉडी के पूरे फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स पिट्यूटरी रिलीज करता है या नहीं, इसीलिए हम इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड. ठीक है, अब मास्टर को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस. सो इट इज द मास्टर ऑफ मास्टर और नॉट, तो हेड मास्टर, हेडमास्टर. तो हाइपोथैलेमस कहीं का आपको ये भी दिखेगा लिखा हुआ, इट इज कॉल्ड एज हेडमास्टर ऑफ द ऑल ग्लैंड्स बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द पिट्यूटरी एंड पिट्यूटरी इज कंट्रोलिंग ऑल अदर ऑर्गन्स और सिस्टम्स ऑफ द बॉडी और नॉट. अब सवाल ये है कि इसके कैसे कंट्रोल होते हैं, दो तरह के कंट्रोल होते हैं. एक तो न्यूरल कंट्रोल होता है, क्योंकि जो आपका पिट्यूटरी भी है, ठीक है, पिट्यूटरी भी तीन भागों में डिवाइडेड है, एंटीजर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, मिडिल पिट्यूटरी. ठीक है, तो जो आपका हाइपोथैलेमस होता है तो वहां से कुछ न्यूरॉन्स एराइज होते हैं एंड दे टर्मिनेट इनटू द पिट्यूटरी. ठीक है, एंड दीज न्यूरॉन्स आर रिलीजिंग न्यूरो सिक्रेटरी केमिकल्स, न्यूरो सिक्रेटरी केमिकल्स विच आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड. तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं विच आर एराइजिंग, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं विच आर एराइजिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड टर्मिनेटिंग इन टू द पिट्यूटरी. एंड वट एवर द इंफॉर्मेशन which is sent from the hypothalamus that goes into the pituitary or not, and according to that they work and they synthesize the different type of hormones which are produced in our body or not. तो pituitary जो होता है वो दो तरह के hormone को release करता है, sorry hypothalamus जो होता है वो दो तरह के chemical को release करता है और hormone को release करता है. तो हाइपोथैलेमस सवाल ये होता है कि कौन कौन से दो तरह के केमिकल को रिलीज करता है. एक तो स्टिम्युलेटिंग केमिकल होते हैं और दूसरा इनहिबिटरी केमिकल होते हैं. ठीक है, स्टिम्युलेटिंग मतलब स्टार्ट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है और दूसरा इनहिबिटिंग रोकने के लिए. तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्ट करता है टू रिलीज सर्टेन हार्मोन,
जब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो फिर वो एक केमिकल रिलीज करता है इनहिबिटरी हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग द पिट्यूटरी फ्रॉम रिलीजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल और नॉट. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. एक हार्मोन कौन सा है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है गोनाडो गोनैड्स क्या होते हैं. गोनैड्स कहने का मतलब होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी है. तो ओवरी इज द फीमेल गोनैड एंड टेस्टिस इज द मेल गोनैड. तो इस गोनैड को स्टिमुलेट करने के लिए यदि कोई हार्मोन इसको प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए पहले इंफॉर्मेशन कहां से आएगा. गोनैड मान लो एक बच्चा प्यूबर्टी अटेन कर लेता है सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन हो गया. तो जब सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन हो जाता है प्यूबर्टी अटेन हो जाता है तो उसके बॉडी के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होने लगते हैं या नहीं होने लगते हैं. ऐसे गर्ल्स में ओवर प्रोडक्शन होना शुरू होता है. तो एक बार बताओ जो हमारे गोनैड्स है चाहे वो टेस्टिस हो या ओवरी हो तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए प्यूबर्टी अटेंड हो गया तो स्टिमुलेट करने के लिए भैया अब प्यूबर्टी अटेंड हो गया अब स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट करिए. ठीक है तो उसके लिए कोई ना कोई केमिकल रिलीज होना जरूरी है कि नहीं. तो उसके लिए जो रिलीज होता है केमिकल वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. कौन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि रिलीज होता है पिट्यूटरी से. कहां से रिलीज होता है पिट्यूटरी से. अब जो ये पिट्यूटरी से केमिकल रिलीज होता है ये बचपन से बच्चा जन्म लिया और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होना शुरू हो गया ऐसा नहीं होगा. जब बच्चा 13-14 साल की प्यूबर्टी अटेन कर लेगा तो उसके बाद होगा. तो जब प्यूबर्टी अटेन होगा तो इसको कोई तो रिलीज करने वाला इसको कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला होना चाहिए कि भैया अब तुम रिलीज हो और जाके एक्ट करो गोनाड पे ताकि टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन और ओवरी से ओवा का प्रोडक्शन हो सके या नहीं. तो जो ये गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है कौन सा गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ये एक्ट करेगा पिट्यूटरी पे. ये किस पे एक्ट करेगा पिट्यूटरी पे और पिट्यूटरी जो है वो रिलीज करेगा क्या FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस तरह एक्ट करेगा गोनैड्स पे और गोनैड्स जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा. अब मान लीजिए बॉडी में गैमेट ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए भी कुछ चाहिए. तो ये इंफॉर्मेशन यहां से आएगा कि भैया अब स्लो डाउन कर दीजिए पिट्यूटरी.